इस वीडियो में लोग FCS सॉफ्टवेयर एंड सॉल्यूशंस लिमिटेड कंपनी को डिस्कस करने जा रहे हैं। काफ़ी दिनों से इस पर बात नहीं हुई है। देखेंगे कि इस कंपनी में भी क्या चल रहा है, क्योंकि आपको पता है कि हाल के दिनों में शेयर प्राइस में काफ़ी ज़्यादा उछाल आया था, जिसको लेकर इन्वेस्टर्स में एक नई उम्मीद और उत्साह जगी थी। तो इन सभी मुद्दों को इस वीडियो में कवर करेंगे और जानेंगे कि आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए यदि आपका इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में है या यदि आप नया इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो अभी देखेंगे। तो अभी तो फिलहाल मैं यह वीडियो बना रहा हूँ तो मार्केट अभी ओपन नहीं हुआ है, तब तक इसका जो शेयर प्राइस है देखेंगे। यहाँ इसमें कुछ मोमेंट आज के दिन का देखने को नहीं मिल रहा है, 17 अगस्त का ही देखने को मिल रहा है। शुरुआत काम से करते हैं, कंपनी काम क्या करती है। तो आपको पता है कि FCS सॉफ्टवेयर एक IT बेस्ड कंपनी है। ये बेसिकली IT सर्विसेज प्रोवाइड कराती है अलग अलग कंपनी को, और साथ में देखेंगे तो IT से संबंधित मैनेजमेंट भी कंपनी प्रोवाइड कराती है। तो मोटा मोटी कहें तो IT संबंधित कंपनी काम करती है, और IT का जो ये साल रहा IT कंपनियों के लिए क्या रहा आपको अच्छे तरीके से पता है। आने वाले समय में IT कंपनियों में बूम आएगा, FCS सॉफ्टवेयर में भी तेज़ी बनते हुए दिख रही है। ये तो काम की बात होगी। अब बात करते हैं कंपनी के फंडामेंटल की, कंपनी का फंडामेंटल मजबूत हुआ है कि नहीं पिछले कुछ दिनों में। तो यहाँ पर आप जो देखेंगे कंपनी का मार्केट कैप तकरीबन 400 करोड़ के आसपास हुआ है, कि देख सकते हैं मार्केट कैप में थोड़ी बहुत आपको बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। यहाँ पर स्टॉक का PE पे मजे, पेन स्टॉक का PE काफ़ी महंगा होता ही है। शेयर प्राइस देखेंगे तकरीबन 2 रुपये 32 पैसे के आसपास शेयर प्राइस चल रहा है, और जो कि इसके बुक वैल्यू से भी ज़्यादा है। यानी कि जो शेयर प्राइस होता है हमेशा बुक वैल्यू से ज़्यादा होना चाहिए, मैं अपने हर एक वीडियो में कहता हूँ। तो यहाँ पे ये ठीक ठाक है। अब देखिए ओवरऑल बात करें यदि ROE और ROC का, तो देखेंगे ये तकरीबन माइनस में नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। हालांकि 1% से ज़्यादा, चूँकि पेनी स्टॉक है तो इसमें इसका जो रिटर्न ऑन इक्विटी होता है ज़्यादा नहीं होता है, कि ज़्यादा रिटर्न आपके इन्वेस्टमेंट पर एक कंपनियाँ नहीं देती हैं, लेकिन फिर भी 1% से तो ज़्यादा होना ही चाहिए। यहाँ पर ये थोड़ी बहुत कम है। अब चलिए सीधे लेकर चलते हैं चार्ट पर, एक्सेल के चार्ट पर हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या उतार चढ़ाव हुआ है पिछले कुछ दिनों में। तो जैसे आप देखेंगे पिछले एक साल के चार्ट में, तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ कि मार्च 2023 से तो स्टॉक यहाँ से देखेंगे आप तो कंसोलिडेट कर रहा था, तकरीबन जुलाई 2023 से कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेशन रेंज में फंसा रहा। लेकिन जैसे इस कंसोलिडेशन रेंज से ब्रेक किया, मैं आपको बार बार कहता हूँ कंसोलिडेशन रेंज से जब भी स्टॉक बाहर निकलता है तो 90% चांस होता है कि उसका प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा। ब्रेकआउट हुआ, शेयर प्राइस ऊपर की तरफ गया, और तकरीबन 2 रुपये 40 पैसा से निकल कर 2 रुपये 80 पैसा तक गया। पेनी स्टॉक है तो इसमें रुपये में मूवमेंट नहीं होता है, पैसों में मूवमेंट होता है, क्योंकि यहाँ पर इसका एक ऑलरेडी एक सपोर्ट था, यहाँ तक आया, और यहाँ पर जब आया तो प्रॉफिट बुकिंग हुआ, और प्रॉफिट बुकिंग होने की वजह से प्राइस थोड़ा सा नीचे आया, फिर ऊपर गया, तो फिर यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हुआ और फिर भी प्राइस नीचे आ रहा है। और जब तीसरी बार ये प्राइस ऊपर उठेगा तो ये पहली बार जहाँ जहाँ इसने रेजिस्टेंस लेकर ठहरा हुआ उससे भी ऊपर प्राइस निकलेगा। यानी कि इस बार जब ये यहाँ से ऊपर उठेगा 3 रुपये के आसपास या 3.5 रुपये के आसपास तक इस कंपनी का शेयर प्राइस जाते हुए दिख सकता है। टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से ये पता चलता है कि ये कंपनी का शेयर प्राइस अभी प्रॉफिट बुकिंग होने की वजह से आ रहा है थोड़ा सा नीचे, फिर नीचे पर बायर्स एक्टिव होंगे और इसके प्राइस को लेकर जाएंगे 3-3.5 रुपये के आसपास तक। तो यहाँ तक यदि आप इन्वेस्टमेंट करके ठहरे हुए तो इसमें बने रहिए, क्योंकि बहुत जल्द इसके शेयर प्राइस में फिर से एक बार तेज़ी देखने को मिलेगी। और यदि आप प्रॉफिट बुक कर लिए हैं तब तो खैर कोई बात नहीं, नया इन्वेस्टमेंट फिर से करना चाहते हैं या एवरेजिंग करना चाहते हैं तो अभी आपके लिए एक बेहतर मौका हो सकता है एवरेजिंग करने का। लेकिन जो भी कीजिएगा अपनी सोच समझ के बदौलत कीजिएगा, मेरे कहने के अनुसार, मेरे कहने पर मत कीजिएगा। अब यहाँ पर थोड़ी सी क्वार्टरली रिजल्ट की बात कर लेते हैं, क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट के बदौलत ये पता लगता है कंपनी का शेयर प्राइस फंडामेंटल मजबूत हो रहा है कि नहीं। तो देखिए जून क्वार्टर रिजल्ट आ गया, और इसमें जब सेल्स देखेंगे तो सेल्स पिछले क्वार्टर के मुकाबले बढ़ा है। पिछले क्वार्टर में सिर्फ 8.5 करोड़ के आसपास हुआ था, इस समय 8.58 करोड़ के आसपास कंपनी का सेल्स हुआ। हालांकि पिछले कुछ क्वार्टर के मुकाबले देखेंगे तो अभी भी इस कंपनी का जो सेल्स है कम ही है, लेकिन यदि प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी नेट प्रॉफिट में है। हालांकि पिछले क्वार्टर के मुकाबले कंपनी का नेट प्रॉफिट इस बार भी आपको बढ़ते हुए दिखा है, लेकिन उसके पहले के कुछ क्वार्टर्स के मुकाबले देखेंगे तो अभी भी कंपनी का जो प्रॉफिट है काफ़ी बढ़िया है। तो ओवरऑल देखेंगे तो फंडामेंटल भी कंपनी का मजबूत हो रहा है, और जैसे मैंने बताया कि टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से पता चलता है कि शेयर प्राइस में उछाल लाने के लिए रेडी है। तो आपको क्या करना है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल गई होगी। फिर भी यदि कुछ मन में कन्फ्यूजन है, सवाल है, मुझसे पूछना चाहते हैं तो मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़ के बात कर सकते हैं। और यदि आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग करके अच्छा पैसा बनाना चाहते हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा आप स्टॉक में अपना फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।